ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे, तो फिर से आ चुका आप लोगों के लिए बीजेएमआई की और भी एक कमाल कोड लेकर। अब भाई साहब इतने दिनों से बीजेएमआई खेल के मैंने एक चीज रियलाइज किया कि जिस बंदे का हिप फायर से ज्यादा पिक एंड फायर स्ट्रांग है उस बंदे को भाई क्लोज रेंज में या फिर भाई मिड रेंज में हराना काफी ज्यादा टफ काम हो जाता है। तो भाई इसलिए आज की ये वाला वीडियो भाई पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाला है पिक एंड फायर के ऊपर, कैसे भाई आप छोटा से छोटा पिक ले सकते हो या फिर भाई पिक एंड फायर का सही तरीका क्या होता है, तो ये सब चीज लेके भाई आज की इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले वीडियो का भाई लाइक मैं रखता हूँ भाई 2.1 के लाइक, ठीक है आप लोगों को प्लीज 2.1 के लाइक इस वाले वीडियो में कंप्लीट करा देना है। तो अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ये वाला वीडियो आप लोगों को, ठीक है ध्यान से देखते रहना इस वाले वीडियो को। तो चलो इस कमाल की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट पीक मिस्टेक्स, जब तक भाई हमें मिस्टेक पता नहीं चलेगा तब तक भाई हमें सोल्यूशन का भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तीन मिस्टेक मैं आप लोगों को बताऊंगा, टू क्लोज टू कवर, पीक इन क्लोज रेंज, उसके बाद व्हेन द एनिमी प्रीफायर। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर पॉइंट की, टू क्लोज टू कवर। अब भाई यहाँ पे 100% बिगिनर्स और कुछ प्रतिशत भाई प्रो प्लेयर भी ये वाला गलती करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कुछ इस तरीके से कवर से चिपक के बैठते हैं, इस तरीके से बैठ के जैसे भाई पीक करोगे ना आपका टारगेट भाई यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। मुझे एक चीज पता नहीं चलता कि भाई लोग ये वाला गलती क्यों करते हैं, इवन कुछ स्ट्रीमर्स भी भाई ये वाला गलती करते हैं भाई स्ट्रीम में, मैंने भाई कुछ स्ट्रीमर्स को देखा है। खैर भाई आपको ये वाला गलती कभी भी करना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को चले जाना सेटिंग में, एडवांस कंट्रोल में चले जाना है, उसके बाद भाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ब्लॉक साइज वार्निंग, ठीक है। इसको भाई आप लोगों को हमेशा इनेबल करके रखना है। इसको इनेबल करते भाई जैसे आपका एम ब्लॉक होगा ना भाई आपको यहाँ पे रेड कलर का एक निशानी देखने को मिल जाएगा ब्लॉक का, ठीक है। तो आपको भाई पता चल जाएगा कि भाई हाँ अब मैं पीक नहीं कर सकता, तो आप लोगों को थोड़ा सा पाइप पीछे की तरफ चले आना है। तो अगर भाई आप ज्यादा से ज्यादा पीक एंड फायर लेना प्रेफर करते हो तब भाई इस वाले सेटिंग को आप इनेबल कर सकते हो, बाकी अगर भाई पीक एंड फायर मतलब पीक एंड फाइट लेना प्रेफर नहीं करते हो तब भाई जरूरत नहीं है कोई भी। अब भाई साहब हमारा दूसरा पॉइंट पीक इन क्लोज रेंज, खैर भाई ये वाला बकचोदी मैं भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई ये गलत है। अब भाई आपके स्क्रीन पे जो फाइट हो रहा है, ठीक है, इस वाले फाइट में भी मैं भाई ये वाला गलती कर लेता हूँ, लेकिन खैर भाई किसी तरीके से मैं संभाल लेता हूँ इस वाले फाइट को, लेकिन ये वाला गलती भाई आप लोगों को कभी भी करना नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चले जाना आप लोगों को सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पीक एंड ओपन स्कोप, ठीक है। तो काफी सारे बंदे इसको इनेबल रखते हैं, ठीक है, और क्लोज रेंज में भी कुछ इस तरीके से पीक कर लेते हैं। अब भाई क्लोज रेंज में जैसे भाई आपका स्कोप खुलेगा फिर बंद होगा उसमें भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और जिगल मारते मारते भाई आप कभी कभी पीक भी करते हो, मैं भी करता हूं, ठीक है। तो अगर भाई पीक वाले बटन पर टच कर देते हो ना आपका भाई यहाँ पे स्कोप ओपन हो जाएगा और आपका जो मूवमेंट है वो भाई पूरी तरीके से यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो इस सेटिंग को आप लोगों को हमेशा ऑफ करके रखना है, उससे क्या होगा क्लोज रेंज में भाई कभी कभार इस तरीके का भाई पीक एंड फायर भी दे सकते हो। अब भाई साहब हमारा दूसरा पॉइंट व्हेन एनिमी प्रीफायर। अब भाई साहब आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होंगे जिनको भाई अपने पीक एंड फायर के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन भाई फिर भी आप कुछ इस तरीके से ठिल जाते हो। इस चीज का रीजन एक ही है कि भाई आप सामने वाले के प्रीफायर के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने वाला बंदा प्रीफायर मार रहा था, भाई मैं फुल कॉन्फिडेंस में था कि भाई हाँ मेरा पीक तो छोटा है मैं भाई पेल दूंगा, लेकिन भाई उल्टा यहाँ पे मैं ही ठिल जाता हूँ। तो कभी भी अगर भाई आप किसी भी जगह से भाई पीक करो आपको भाई उस कवर के पीछे आके 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, आपको देखना है कि सामने वाला बंदा प्रीफायर मार रहा है कि नहीं, तब जाके भाई आप लोगों को वहां से पीक लेना है। अब वैसे मिस्टेक के बारे में आप लोगों ने जान लिया, अब भाई यहाँ पे पॉइंट चेंज करके मैं आप लोगों को बताऊंगा परफेक्ट पीक एंड फायर ट्रिक। अब वैसे परफेक्ट पीक एंड फायर देने के लिए आपका यहाँ पे एक चीज कंपलसरी है, वो है भाई साहब आपका क्राउच बटन। अब वैसे ये जो क्राउच वाला बटन है इसको भाई आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, ये जो बटन है ना यही भाई आपका जो पीक एंड फायर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब भाई साहब इस वाले क्लिप में मैंने यहाँ पे क्या किया आप लोग नोटिस करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे भाई दो बार क्राउच करके फायर किया बंदे के ऊपर, जैसे भाई बंदा मेरे ऊपर एक्शन लिया मैं भाई खड़ा होकर भाई बंदे के ऊपर फायर किया, वो बात अलग है कि भाई बंदा फिनिश नहीं हुआ। अब ऑलमोस्ट भाई 90% बंदे को जिस तरीके से पीक एंड फायर करते हैं वो भाई पहले क्राउच करते हैं, उसके बाद जाके भाई पीक वाले बटन को दबाते हैं, उसके बाद जाके भाई कुछ इस तरीके से फायर करते हैं। अब भाई ये जो तरीका है ना ये भाई काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है, ठीक है, सबको ये चीज पता है। अब भाई किसी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अगेंस्ट अगर कुछ इस तरीके से पीक लेते हो ना आप भाई इजिली तरीके से ठिल जाओगे। अब भाई जब कभी भी आप कहीं पे भी पीक एंड फायर मारते हो आपका स्कोप कहाँ पे खुलता है एग्जैक्ट इस वाले लोकेशन पे। अब यहाँ पे सामने वाला बंदा क्राउच करके बैठा है, मानो कि भाई सामने वाला बंदा खड़ा रहता है, तब भाई उसका हेड कहाँ पे रहता है एग्जैक्ट भाई रेड वाले डॉट पे। तब भाई यहाँ पे सीन क्या होता है आपका जितना भी सारा बुलेट था ना भाई सारा का सारा बुलेट यहाँ पे मिस चला जाता, क्योंकि भाई नॉर्मली सारा का सारा प्लेयर भाई यही चीज एक्सपेक्ट करता है कि भाई सामने वाला जो बंदा रहेगा वो भाई हमेशा बैठ के ही पीक लेगा, ठीक है। तो इस वाले चीज को भाई आप लोगों को हमेशा अवॉइड करना है। अब भाई अगर आप लॉन्ग रेंज में पीक ले रहे हो तब जाके भाई आप क्राउच कर सकते हो, आपका रिकॉइल जो है वो भाई काफी ज्यादा कम हो जाएगा उससे, लेकिन वही जब भाई आप क्लोज रेंज में या फिर भाई मिड रेंज में पीक लेते हो वहां पे भाई आप लोगों को कभी भी स्टिल भाई बैठ के पीक लेना नहीं है, आप लोगों को खड़ा होके भी पीक लेना है बैठ के भी पीक लेना है। अब भाई साहब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो स्कोप इन करो पहले, उसके बाद क्राउच वाला बटन पे स्पैम करो और भाई साहब फायर करो। इस तरीके से जब भाई आप पीक करोगे ना सामने वाला बंदा आपको ज्यादा बुलेट कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं इस तरीके से पीक नहीं करता, मैं किस तरीके से करता हूं
मैं एक बार बैठ के फायर करता हूँ, फिर फटाक से खड़ा होता हूँ, फिर फायर करता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर फायर करता हूँ। उससे क्या होता है भाई, सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ पे फायर करूँ, हेड लेवल पे फायर करूँ या फिर भाई बॉडी लेवल पे फायर करूँ। और एक चीज पिक करते टाइम आप लोगों को भाई जॉयस्टिक को हमेशा कवर की तरफ खींचने की कोशिश करना है। तो भाई इन सारी की सारी चीज को अगर भाई आप याद रखते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तब भाई आपका जो पिक एंड फायर है वो भाई काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिक एंड फायर करो सही है, लेकिन हमेशा भाई आप लोगों को क्रॉसियर पे फोकस करना है, ठीक है। पिक एंड फायर मार रहे हो तब भी भाई आप लोगों को क्रॉसियर पे ही फोकस करना है। तो बस कैसा लगा भाई ये वाला वीडियो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना। और अगर अब भाई आप लोग अभी तक वीडियो में टिके हो तब भाई ब्लू हार्ट जरूर से स्पैम कर देना इस वाले वीडियो में। बाकी नीचे इंस्टाग्राम मेरा भाई पॉपअप हो रहा होगा, उधर जाके भाई फॉलो कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग चाहो तो भाई मुझे कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ जो है बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।